अभी मैं पहाड़ों के बीच में हूँ और आप देख सकते हैं इस साइड में एक हिमालय में एक गांव है, यहाँ एक घर आपको दिख रहा होगा और ये पीछे देख रहे हैं काला काला, ये पूरा पहाड़ है और इसी साइड में मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ। इधर गांव है, थोड़ा सा ये देखना है कि नेपाल के जो पहाड़ों में बसे हुए नेपाली हैं उनका जीवन कितना आसान है या फिर कितना कठिन है, तो इस चीज़ को देखने के लिए साथ ही साथ ये लोग किस प्रकार से इनका अपना जीवन चलता है, इनकी अपनी आजीविका कैसे चलती है, तो ये सभी इन सभी चीज़ों के बारे में मेरे दिमाग में जो क्वेरी है उसको पूरा करने के लिए आप लोगों को लेकर के उधर चल रहे हैं। बड़ा मज़ा आने वाला है, तो मेरे ब्लॉग में बने रहिए। लेकर तो साथियों, नेपाल का ये झरगा नाम का कोई एक गांव है जो नेपाल के हिमालय में बसा हुआ है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत यहाँ के ग्रामवासियों ने अपना ये घर बनाया है और ऐसा प्रतीत होता है कि बिना पौधों के इनका अपना जीवन ही नहीं। आप इनके दरवाजे पर जब देखेंगे तब आपको एहसास होगा कि जहाँ देखेंगे वहाँ पौधा, जिस साइड में दरवाज़ा ये है, यहाँ देखिए इस साइड में भी पौधा, इस साइड में भी पेड़ पौधे और इस साइड में आप देख लीजिए रास्ते कितने हरे भरे इन लोगों ने बनाए हैं कि रास्ते के इस साइड में भी पेड़ पौधे यहाँ से वहाँ तक और इस साइड में भी पूरा हरियाली पेड़ पौधे यहाँ से वहाँ तक। ऐसा साथियों प्यारा नेपाल है कि कल्पना नहीं किया जा सकता है। आइए थोड़ा बैक कैमरे से मैं यहाँ का लोकेशन दिखलाता हूँ। देख सकते हैं कितना खूबसूरत इनका घर का अपना ये आंगन है, बीच में यहाँ से एक पतला सा रास्ता है और यहाँ दोनों साइड में फूल पेड़ पौधे पत्तियाँ लगाए गए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मैं किसी स्वर्ग से सुंदर वाले गांव में पहुँच चुका हूँ, जो कल्पना से परे ये गांव सुंदर दिखता है। देख सकते हैं मारुति भी यहाँ दौड़ लगाती हुई सीधा जो है हिमालय की गोद में जा रही है। काफ़ी खूबसूरत सा साथियों ये नज़ारा है जो कल्पना से परे सुंदर लगता है। साथियों यहाँ जो इनकी मुख्य आजीविका का जो साधन है वो साधन केवल ये है कि ये खेती करते हैं इन पहाड़ों में, कटीले खेती बनाते हैं। कहीं कहीं जो है जहाँ समतल होते हैं तो वहाँ छोटे छोटे खेती भी ये करते हैं और खेती के द्वारा जो है जो भी अनाज उपजता है तो उस अनाज से इनका अपना जो है घर का खर्च चलता है। साथियों इस प्रकार से नेपाल के निवासी अपने आप को सर्वाइव करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और ऐसा है नेपाल। साथियों देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा ये इलाका जो है आप लोगों को दिख रहा होगा। वाकई में साथियों मन को मोह लेने वाला ये दृश्य है नेपाल का। महाराजगंज जिला, महाराजगंज जिला, हाँ महाराजगंज जिले से हम लोग आए हुए हैं। देख सकते हैं मैं नदी में उतर रहा हूं और ये रहा नेपाल का ये पहाड़ी रास्ता और पहाड़ों को हम लोग पार करते हुए इस साइड में नदी है जो बह रही है, यहां देख सकते हैं और हमारे साथी पीछे इस साइड में टहल रहे हैं और नदी में क्रॉस करके मुझे जो है उस साइड में जो पहाड़ है उस पहाड़ों में गाँव जो बसा है उस गाँव में मुझे जाना है। तो हमने सोचा कि क्यों ना लगे हाथ इसका एक वीडियो शूट करके और आप लोगों को दिखला दें। तो आप देख सकते हैं साथियों जो बजरी होती है जिसको हम लोग अपने घरों में जो है घरों में ही इसमें है
छतों में डालने का जो काम करते हैं, या फिर कह लीजिए जुड़ाई उड़ाई के उद्देश्य से, जुड़ाई उड़ाई के उद्देश्य से काम आता है, तो वो बजरी यहाँ नीचे है, देख सकते हैं। साइड में देख सकते हैं एक नेपाली भैया खड़े हैं। हाँ, और क्या 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 नाम है आपका, नाम क्या है? नाम होटल। अच्छा अच्छा, के खूबसूरत वादियों में बस जाऊं। वाह, वाकई में कमाल का साथियों, नेपाल है कमाल का। साथियों आप देख सकते हैं नेपाल की तलहटी में, नेपाल के हिमालय के पहाड़ों में मैं घूम रहा हूं। साथियों देख सकते हैं यहां की पक्की कितना खूबसूरत, नाली कितना बढ़िया सा बनाया गया है ताकि पानी रुके ना, पानी क्रॉस कर जाए। छोटे छोटे घर बनाए जाते हैं और इतना सुंदर घर बनाया जाता है कि देखने में ही मन को मोह लेता है। साथियों देख सकते हैं इधर भी कितने प्यारे प्यारे घर रास्ते पर बने हुए हैं, और ये देख सकते हैं इधर जो है तमाम जो है नेपाल का जो ये पहाड़ है, तो पहाड़ों की तरफ ये जो पक्की जो है अंदर गई है। अब देखते हैं इस पक्की को पकड़ के, मैं अभी कुछ देर में मैं अभी निकलने वाला हूँ। तो साथियों आप लोगों को नेपाल का ये ब्लॉग वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो साथियों कम से कम एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें, और साथ ही साथ अगर आप नए हों तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके ही जाएं। साथियों आज का ये ब्लॉग वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और इन्हीं सब बातों के साथ साथियों आज का ब्लॉग वीडियो मैं यहीं समाप्त करना चाहूँगा। आप सभी साथियों को नमस्ते, सलाम, आदाब।